हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम एएसओ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनका एक मॉडल पेपर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर मैंने 25 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के इंक्लूड किए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, और इनके आंसर की है मैं टेलीग्राम लिंक है वहां पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं आपको उसका आंसर जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी मैं इसके आंसर अपलोड करता हूँ और जो भी कोई भी नई न्यूज़ होती है वहां पर अपलोड हो जाती है, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि कोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने बताया था, रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट किसने बताया था ये। फिर उसके बाद में कोरिलेशन का सही फार्मूला कौन सा होता है, चार ऑप्शन है उनमें से आपको सही फार्मूला बताना है। और यहाँ पर जो आर होता है वो जो सैंपल होता है उसके लिए आर कोरिलेशन कोफिशिएंट के रूप में काम में लेते हैं, और रो होता है वो पॉपुलेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर आर की जगह रो आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आर स्क्वायर की जगह रो स्क्वायर आ सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है आपको। नीचे भी आर और 1 - r² या 1 - ρ² के बारे में पूछा गया है, उससे अगले वाले में √1 - ρ² या 1 - r² के बारे में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। जो यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशेंट जो है आर, उसकी रेंज पूछी है क्या होता है, क्या मान हो सकते हैं। उसके बाद इसकी रेंज यहाँ पर भी एक अलग तरीके से रेंज बताई गई है, कैसे निकालते हैं या फिर कैसे होगा इसका, ऑप्शन कौन सा सही है वो बताना है। दो इंडिपेंडेंट चरों के बीच में क्या कोरिलेशन होता है वो बताना है। अगर आर की वैल्यू 1 है यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो एक्स और वाई के बीच में कैसा संबंध होगा वो यहाँ पर बताना है आपको। परफेक्ट कोरिलेशन कैसा होता है वो बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूछा गया है कि अगर एक्स वाई के बीच में कोरिलेशन दिया हो तो आप ax+b और cy+d के बीच में कैसे कोरिलेशन निकालोगे वो आपको बताना है, क्या वैल्यू होगी। ये 14 नंबर वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला भी कभी कभार इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा वाई की वैल्यू दे दी होती है और आपसे आर की या रो की वैल्यू निकलवा लेता है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर मैंने हिंट दिया हुआ है, ये हिंट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हिंट वगैरह जो भी मैंने दिए हैं इनसे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और जो ये हिंट है वो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैंने 16 नंबर क्वेश्चन में प्रोबेबल एरर या संभाव्य त्रुटि का फॉर्मूला पूछा है। जो 17 नंबर है उसके अंदर भी अगर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू प्रोबेबल एरर या संभाव्य त्रुटि से कम हो तो क्या होगा। स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है एक, वो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगर नॉन लीनियर हो दोनों तो कौन सा संबंध होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यही एक अगेन 20 नंबर प्रोबेबल एरर के बारे में क्वेश्चन है। और ये 21 नंबर, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है सहसंबंध कोडिंग के बारे में, ये क्वेश्चन है आपको ये सॉल्व करना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया था पीछे, इसका हिंट भी मैंने दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ट्राई करिएगा इसको। इसके बाद सहसंबंध के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन क्या है ये सब आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। नीचे 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, इसको सॉल्व करना आपको बहुत ज़रूरी है। और 25 नंबर क्वेश्चन का भी मैंने हिंट दिया हुआ है, तो आप इन सबको सॉल्व कीजिए। इन क्वेश्चन के आंसर की मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन के अंदर तो वो आप मेंशन कर दीजिए, और ऐसे ही आगे मैं अब वीडियोज़ के अंदर ही आपको जो है मॉडल पेपर जो भी तैयार होगा वो दूंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो मेंशन कर दें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।